गाइज, अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी में ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लैपटॉप या पीसी में किसी भी सॉफ्टवेयर या ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइज, अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में अगर आपको कोई ऐप इंस्टॉल करना होता है तो आप क्या करते हैं, सीधा प्ले स्टोर पर जाते हैं और वहां से ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन पीसी में ऐसा नहीं होता है, यहां पर पूरा सिस्टम डिफरेंट है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने पीसी में काफी सारे ऐप्स इंस्टॉल कर रखे हैं, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल क्रोम एंड और भी बहुत सारे। गाइज, पीसी में ऐप इंस्टॉल करने के काफी सारे तरीके हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है या फिर 64 बिट का। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपको दिस पीसी पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है। आपके सिस्टम की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। गाइज, अब हम बात करते हैं कि एप्स या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है। बात करते हैं फर्स्ट मेथड के बारे में। तो अगर आप विंडोज 10 या विंडोज 11 का यूज करते हैं तो विंडोज की तरफ से आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर देखने को मिल जाता है जिसे आपको ओपन करना है। कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाता है। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर होम स्क्रीन पर आपको कुछ ऐप सजेस्ट होंगे, आपको सी ऑल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको काफी सारे पॉपुलर ऐप्स मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन भी मिलता है, तो अगर आप किसी ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं व्हाट्सअप कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप मिल गया है, मैं इसे ओपन करूंगा। अब आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड कम्प्लीट होने तक आपको वेट करना है। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपके सिस्टम में ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, बिकॉज ये प्ले स्टोर की तरह ही काम करता है। आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ऑल एप्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारे एप्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप मिल गया है। अगर आप इसे डेस्कटॉप पर ऐड करना चाहते हैं तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकते हैं। एप्स के अलावा यहाँ पर आपको काफी सारे गेम्स भी देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप इजीली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ गेम्स पेड मिलेंगे और कुछ गेम्स फ्री मिलेंगे, तो आप लोग फ्री गेम्स को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन गाइज, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर देखने को नहीं मिलेंगे। उन सॉफ्टवेयर को आपको अलग तरीके से डाउनलोड करना होगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के नाम बता रहा हूँ जहाँ से आप इजीली किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। पहली वेबसाइट का नाम है फाइलोर्स.com। गाइज, ये काफी अच्छी वेबसाइट है, इसका यूज मैं पर्सनली खुद करता हूँ, बिकॉज यहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। होम स्क्रीन पर आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स दिखाई देंगे। जिस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसे आपको सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ फायरफॉक्स। फायरफॉक्स ब्राउजर को मैं अपने पीसी में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है या फिर 64 बिट का, तो आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग से डाउनलोड कर लेना है। मैं 64 बिट वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। अब आपको फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना है। स्टार्ट डाउनलोड कर देंगे, इस सॉफ्टवेयर को हम सेव कर लेंगे। यहाँ पर ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। गाइस, दूसरी वेबसाइट का नाम है en.softonic.com। ये वेबसाइट भी काफी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पर भी सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। जिस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसे आपको सर्च करना है, उसके बाद आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन अगर आप ब्राउजर से किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो उसे आपको मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने जिस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था, चलिए उसे इंस्टॉल करके देखते हैं। इसके लिए आपको इस सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। गाइज, इसी तरह से सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने लैपटॉप या पीसी में किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।